SBI की तरफ से एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है अप्रेंटिसिस का 2021 के लिए। तो टोटल वैकेंसी 6100 है, यानी 6100, और सभी के मन में डाउट है कि क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी दूंगा और क्यों अप्लाई करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नोटिस बताना चाहूँगा, जिस नोटिस में ये मेंशन किया गया है जो रिक्रूटमेंट प्रीवियसली आई थी 2020-21 वाली, कौन सी डेट को आई थी, 2020 को, वो कैंसिल की गई है। यानी उस नोटिफिकेशन के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आपको उस नोटिफिकेशन का जो फी पेमेंट किया गया है वो रिफंड हो जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अंडर द अबोव एडवर्टाइजमेंट एंड हैड पेड द फीस विल बी गेट रिफंडेड। ध्यान रहे, फीस रिफंड जो होगी वो जिस माध्यम से, यानी जिस बैंक अकाउंट से आपने डिडक्ट करवाई होगी उसी बैंक अकाउंट में वापस जाएगी। यानी अगर आपने साइबर वाले से या किसी और के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है तो फीस उसी के अकाउंट में जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ध्यान दे दें, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब फ्रेश वैकेंसी की। ये जो 2020 वाली वैकेंसी है वो खारिज कर दी गई है, कैंसल्ड कर दी गई है, और अब नई फ्रेश वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। टोटल वैकेंसी 6100 है, और अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहोगे तो यहाँ पर गुजरात स्टेट मेंशन किया है। स्टेट की लैंग्वेज क्या है, गुजराती लोकल लैंग्वेज। और SC कम्युनिटी के लिए 56 वैकेंसी, ST के लिए 120 वैकेंसी, OBC के लिए 216, EWS के लिए, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 80 वैकेंसी, UR यानी अनरिजर्व वैकेंसी के लिए 328 और टोटल वैकेंसी 800। ये स्टार इसलिए डाला है कि ये वैकेंसी मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। और PWD कैंडिडेट्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए दिस अकॉर्डिंग टू वैकेंसी है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके अपने स्टेट की वैकेंसी अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं, और बाकी स्टेट की भी यहाँ पे वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी बन जाती है 6100। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ हिज सिलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी रहेगा, तो आपको कोई भी एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज ही चॉइस करना रहेगा। यानी आसाम स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो तीन में से किसी भी एक लैंग्वेज के लिए चॉइस आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स मेंशन अबव इज प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि दो स्टार क्यों लगाए हैं, कि ये फिगर मे बी वेरी कर सकता है। तो टोटल वैकेंसी तो पता चल गया, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लोगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है ना वो 31/10/2020 के अकॉर्डिंग रखा गया है। जी हाँ, आप यहाँ पे 2021 में हो और इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2020 के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया। तो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी डेट के अनुसार है। तो 31/10/2020 के इस डेट के मुताबिक आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो इन शॉर्ट, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एज ऑन 31/10/2020। ओके, अब काफ़ी सारे कॉमन क्वेरीज होती है कि क्या कोई सर परसेंटेज क्राइटेरिया है। जी नहीं, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। काफ़ी लोग पूछते हैं फाइनल ईयर योर सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। जी नहीं, यहाँ पे कंप्लीट बोला है कि ग्रेजुएशन चाहिए तो आपका ग्रेजुएट हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। आगे लिखा है फाइनल एग्जाम गिवन बट अवेटिंग फॉर रिजल्ट कैन आई अप्लाई। अगर आपका रिजल्ट बाकी है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर लिखा है इफ़ रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑनलाइन, अगर मेरा रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हो चुका है बट मुझे फिजिकल मार्कशीट नहीं मिली है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और ये सारा क्राइटेरिया कौन से डेट के अनुसार है, 31/10/2020 के अनुसार है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है, और वो भी 31/10/2020 के अनुसार ही है। यानी अगर बर्थ डेट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन
1/11/1992 यानी इस डेट पे या इस डेट के पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए, इस डेट पे या इस डेट के बाद बॉर्न हुआ चलेगा, कब कहाँ तक चलेगा, एंड नॉट लेटर देन 31/10/2000 यानी इस डेट के बाद बॉर्न हुए कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इस डेट से पहले बॉर्न हुए हो तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस डेट के बाद बॉर्न हुए हो तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये दोनों डेट पे या तो ये दोनों डेट के बिटवीन अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। मेरे ख्याल से एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्लियर हो गया होगा। आपको अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी चाहिए और साथ साथ एज लिमिट 20 से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में दो ही फेज है, फेज वन जिसको ऑनलाइन रिटन टेस्ट बोलेंगे और फेज टू जिसको बोलेंगे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको इनिशियली जब मैंने टोटल वैकेंसी दिखाई तभी आपको स्टेट के बाजू में लोकल लैंग्वेज बताई गई है, उसी लोकल लैंग्वेज में आप जो लोकल लैंग्वेज चॉइस करोगे उसी लैंग्वेज में आपको टेस्ट लोकल लैंग्वेज का देना रहेगा। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट जो है उसका कुछ एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क है और सेक्शन के लिए 15 मिनट का अलग से टाइम दिया गया है। ये टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग अवेलेबल है, इट मींस आप ये 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ही दे सकते हो। अगर आप सेक्शन को 15 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हो तो बाकी के बचे मिनट आप किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, और 15 मिनट में अगर आप सेक्शन फुल अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते तो भी आपको एक्स्ट्रा मिनट नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रहे आपको सेक्शन टाइमिंग यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल इंग्लिश नेक्स्ट सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क और 15 मिनट, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 25 मार्क और 15 मिनट। टोटल देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे और एक घंटे का समय मिल जाएगा, परंतु ओवरऑल एक घंटे का समय मिलेगा, सेक्शन वाइज तो आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबव, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब कुछ आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पता होना चाहिए। द क्वेश्चंस विल बी बायलिंगुअल यानी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश, यानी इंग्लिश में तो इंग्लिश ही रहेगा, बाकी तीनों सेक्शन में यानी फर्स्ट वाले थर्ड वाले और फोर्थ वाले में आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। फिर काफ़ी सारे पूछते हैं देर विल बी एनी नेगेटिव मार्क्स, तो हाँ नेगेटिव मार्क्स है, जो जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है यानी आप अटेम्प्ट करते हो और रॉन्ग होते हो तो आपको 1/4 नेगेटिव मार्क रहेगा, यानी अगर एक क्वेश्चन का एक मार्क है तो 1/4 नेगेटिव मार्क कितना हो जाएगा 0.25, यानी जो गलत क्वेश्चन हुआ उसका मार्क्स तो नहीं मिलेगा परंतु जो आपके सही क्वेश्चन से मार्क्स बने हैं उसमें से 0.25 लेस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला ही है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब आपको कम्प्लीटली जो ओवरऑल पेपर का मार्क्स कितना है 100, तो उसमें से आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करना रहेगा। आप काफ़ी लोग पूछेंगे सर मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, तो वो कट ऑफ मार्क्स बोला जाता है, वो डिसाइड होता है एग्जाम्स के बाद, SBI उसको डिसाइड करता है, तो SBI उसके बाद डिसाइड जो करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिनिमम स्कोर किया हुआ होना चाहिए। और फॉर SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन है मार्क्स में। आगे क्या लिखा है, देर आर नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल, यानी आपकी इंडिविजुअल जो टेस्ट है ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, उसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, यानी आपको रीजनिंग में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, मैथ्स में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, जनरल अवेयरनेस में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टोटल ओवरऑल मार्क्स ही लाने हैं, जो 100 में से जो कट ऑफ बनेगा वो क्वालिफाई करना है। ओके, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, आपका मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज बनेगा, ऑल ओवर इंडिया नहीं बनेगा और कैटेगरी वाइज भी बनेगा, तो कैटेगरी वाइज जो जो वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनने की संभावना होती है। आफ्टर ऑल मेरिट जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी, लेवल ऑफ पेपर, उस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रहे मेरिट ऐसे ही नहीं बन जाता। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का दूसरा फेज यानी टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाइड कर दिया है आगे पहली ही सेकेंड स्लाइड में, जहाँ पे मैंने टोटल वैकेंसी आपको डिस्प्ले की। द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स एज मेंशन इन पैरा ए ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज।
जैसा कि हमने बता दिया कि आप अप्लाई करोगे तब आपको ऑप्ट किया जाएगा। देखो स्टेट में अगर मोर देन वन लोकल लैंग्वेज है तो आपको उसमें से किसी भी एक लोकल लैंग्वेज को ऑप्ट करना रहेगा और उस लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ना लिखना बोलना और सुनना समझना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी एंगेज फॉर अप्रेंटाइज। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो लोकल लैंग्वेज टेस्ट यानी आप फेल होते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट। यहाँ पे और लिखा है यानी दोनों का नहीं चाहिए, या तो 10th का या तो 12th का। ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड अंडरगोन टू लोकल लैंग्वेज टेस्ट। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैं गुजरात से अप्लाई करता हूँ और मेरी गुजराती लैंग्वेज है जो मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट, या तो 12th स्टैंडर्ड में एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, और मैं अगर वो मार्कशीट दिखा दूँ तो मुझे ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ेगा, यानी ये देना नहीं रहेगा। और अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड में गुजराती एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो मुझे ये टेस्ट देना रहेगा सेकंड। समझ गए, अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से सिलेक्शन प्रोसीजर आप समझ गए होंगे, और स्टाइपेंड और बेनिफिट की बात कर लेते हैं, यानी सैलरी कितना मिलेगा। देखो सैलरी ज़्यादा तो नहीं है, बट कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। तो सैलरी कितना मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 और 15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आगे क्या लिखा है, द अप्रेंटाइज आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेज और बेनिफिट। आपको मंथली 15,000 सैलरी मिल जाएगा और कोई भी पर्क्स और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो SBI के एम्प्लॉय को मिलते हैं। फिर भी आपको इसके लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताने वाला हूँ क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए। आगे फीस और इंटीमेशन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो नॉन रिफंडेबल है। जनरल OBC और EWS कैटेगरी से हो तो आपको 300 रुपये अप्लाई करना पड़ेगा, 300 रुपये देना पड़ेगा, और SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फ़ी अप्लाई नहीं करनी है। ध्यान रहे, प्रीवियस नोटिफिकेशन की जो फ़ी अप्लाई की है वो आपको रिफंड हो जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें, आप इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जॉब प्रोफाइल के लिए बात कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल अप्रेंटाइज की है, दिस इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। जाहिर सी बात है, इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि आपको बैंक में जॉब नहीं मिल रही है, आपको एज अ अप्रेंटाइज कुतों के तौर पर लिए जा रहा है, यानी आपको टेम्परली बेसिस पे लिया गया है। बट यहाँ पे आपको मेजर क्वेश्चन, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए, देखो अगर आप अभी ही ग्रेजुएट हुए हो और अभी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो और आपका मकसद है पाना इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे इस पर ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि वेटेज और रिलैक्सेशन, देखो और है ऑब्लिक करके, वेटेज दिया जाएगा या तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। जी हाँ, इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है यहाँ पे कि अगर आप एज अ अप्रेंटाइज SBI में ज्वाइन करते हो 2021 की प्रोसेस में, तो आपको या तो वेटेज दिया जाएगा या तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा SBI जूनियर एसोसिएट की अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों आपको ये अप्लाई करना चाहिए। देखो कुछ कोई भी जॉब नहीं है तो कुछ जॉब होना बेटर है, तो आप अप्रेंटाइज तौर पे भी जॉब कर सकते हो, और अगर आप ये जॉब लोगे टेकअप करोगे तो आपको वेटेज मिलेगा, या तो कुछ सर्टेन मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, या तो कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिक्रूटमेंट जो आएगी जूनियर एसोसिएट की यानी क्लर्क की, ठीक है, गिवन टू द अप्रेंटाइज हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अप्रेंटाइज ट्रेनिंग इन अवर बैंक। तो यही एक रीज़न है इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के, इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिक्रूटमेंट के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं आगे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो ऑलरेडी बता दिया 1 साल का है, 1 साल के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा टेन्योर। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 6/7/2021 यानी 6 जुलाई 2021 से लेके 26 जुलाई 2021 तक रहेगा, यानी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए कौन सी है, 26 जुलाई 2021। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, तो अगस्त के मंथ में होगा, यानी नेक्स्ट मंथ में ही होगा ऐसा कह रहे हैं, और ये टेंटेटिवली है, सो इट मे बी चेंज, बट अगर सब सिचुएशन सही रहा तो अगस्त में हो जाएगा, ये ऐसा कह रहे हैं। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आर गिवन इन द नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो जरूर चेकआउट कर ले ताकि आपके स्टेट में कौन कौन से नोटिफिकेशन है वो आपको पता चल जाएंगे।
नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। आपको एक बार मतलब आपको जो सेंटर एलोकेट किया जाए एग्जामिनेशन का वो आप चेंज नहीं करवा सकते, ऐसा बोल दिया गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट फॉलोइंग वेबसाइट्स। तो ये एक वेबसाइट है, दूसरा ये वेबसाइट है, तीसरा ये वेबसाइट है, चौथा ये वेबसाइट है, पांचवा ये वेबसाइट। ये सारे वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रहे आप किसी भी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मोर देन वन स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और